क्रोएशिया टी10 का सेकेंड मैच जो होने वाला है ZAS वर्सेस BEL के बीच, इन डेप्थ कवर करेंगे दोनों ही टीम के बारे में, ताकि आप ना बहुत बढ़िया स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के कम्बिनेशन खुद आराम से क्रिएट कर पाओ। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी करके रखो, क्योंकि अगले दिन से स्टार्ट होने वाला है क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का दो दो ग्रुप के मैच, ठीक है, दो दो ग्रुप या बोल सकते हो दो अलग वेन्यू में होगा, तीन तीन टीम करके खेलने वाले दोस्तों, उनके कवरेजेस आपको मिलेंगे इस चैनल पे। साथ ही साथ ओमान डी10 हमने कवर किया, फ्यूचर में ऐसे ही एसोसिएट्स एंड डोमेस्टिक मैचेस के एक्सक्लूसिव कवरेज एंड अपडेट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब नोटिफिकेशन को तो बनता है, साथ साथ टेलीग्राम जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक एडेड है। आते हैं एनालिसिस में। मडोस्ट क्रिकेट ग्राउंड ज़ग्रेब क्रोएशिया 95-105 एवरेज स्कोर है, सीरीज में अब तक 31 मैचेस हो चुके हैं, 13 बार बैट फर्स्ट 10 बार बैट सेकेंड 8 अबंडेंट हुआ है अब तक टूर्नामेंट में। ZAS से देखोगे तो राशिद हशमी ओपन करेंगे सकीब हुसैन के साथ, हैदर उसामा आएंगे, सागर मंजूर, फिर अमन महेश्वरी, अमन चौबे होगा बैटिंग ऑर्डर। ये टीम से अगर देखते हो तो राशिद हशमी आपके लिए वेरी डिसेंट चॉइस है, 17-25-18-28 यूज़ कर सकते हो अपने टीम में, नॉट अ बैड चॉइस बट मस्ट पिक भी नहीं है, क्योंकि वैल्यू भी बहुत ज़्यादा इसने अब तक प्रोवाइड कराया नहीं, बॉलर्स को हेल्पफुल हो रहा है सीरीज़ में। और अगर आप ओपनिंग देखते हो दोस्तों, BEL कैसे खेलते हैं उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है इस मैच में इनको हम लोग रखेंगे या नहीं रखेंगे, वो दोस्तों BEL जब एनालिसिस करेंगे तब देखते हैं, बट फिलहाल के लिए ये मस्ट पिक प्लेयर नहीं बन रहा है। सकीब मस्ट पिक बना लेता हूँ क्योंकि ये बैटिंग से तो वैल्यू दिया है बट बॉलिंग भी कर लेता है एक आधा, तो अभी के लिए ये सेफ है हमारे लिए, ऐड कर सकते हैं। हैदर उसामा सबसे बेहतरीन प्लेयर में से एक दिखा है, कुछ मैचेस बीच में ऑन एंड ऑफ रहा है बट स्टार्टिंग के मैचेस इनका बहुत तगड़ा था, मेरे हिसाब से सेफ है, रख सकते हैं दोनों प्लेयर को। सागर मंजूर अभी नहीं लूंगा, ऑड मैचेस में रन है 49-62 बट प्रॉब्लम है बैटिंग ऑर्डर, इतना नीचे बैटिंग में हर मैच में पॉसिबल नहीं है रन बनाना। अमन महेश्वरी देखो यार, ये स्टार प्लेयर होना चाहिए था, दो दो ओवर भी डाल रहा था कुछ मैच में बट यार इससे ना ज़्यादा ऊपर बैटिंग ही नहीं कराया। टी10 देखो 57 मैच 530 रन 71 ओवर 28 विकेट, सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर में से एक। अमन चौबे ये भी बहुत एक्सपीरियंस है, टी10 मैच में 16 मैच 11 विकेट 26 ओवर 87 बट ये भी इस सीरीज में सरप्राइजिंगली फ्लॉप हो गया। षणमुगम ऑड मैचेस में विकेट है, एक ही ओवर में 2 विकेट बट आप मान के नहीं चल सकते हो हर बार एक ओवर में 2 विकेट मिलेगा, तो अभी मस्ट पिक नहीं प्लेयर है। पराक्कलम कुछ मैचेस में 2-2 ओवर डाला है बट इनकंसिस्टेंट है विद बॉल, इवन कई बार तो बॉलिंग भी नहीं मिला है और ओवर भी कंप्लीट नहीं कराया गया। क्रिस्टोफर ओसमैन इग्नोर करेंगे, लुका इग्नोर करेंगे, सियाम अहमद ओपनिंग बॉलिंग, अभिलाष अमन और सुरेश डेथ में, एच उसामा सकीब अमन, ये टीम से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक तो बहुत सारे मैचेस रिड्यूस हो जाते हैं बारिश के लिए, बाकी ओवर भी कंप्लीट ना कराने का दोस्तों इनका जिद है। अगर देखोगे वासु पुलबंती एक मैच में 2 ओवर 1 विकेट है एंड बाकी जय ठाकुरी, ये प्लेयर अच्छा होना चाहिए था, 13 T10 मैच में 11 ओवर में 4 विकेट था बट इनसे कुछ खास कराया नहीं परफॉर्मेंस, बाकी तो इग्नोर करते हैं। ओपनर आते बेल अपना सभी मैचेस हार के आ रहा है तो दोनों वीक टीम है। सुपैया ओपन करेंगे बालाकृष्णन के साथ, कन्नू सैमी आएंगे, सुबैया आएंगे, सेंथिल कुमार होगा बैटिंग ऑर्डर। एक चीज़ सही है कि इनके जो टॉप में खेलेंगे वो 2-2 ओवर भी डाला है तो मस्ट पिक प्लेयर होते हैं दोस्तों सुपैया। भास्कर बॉलिंग नहीं डाला, इग्नोर करते हैं, बैटिंग से भी वैल्यू नहीं किया। रमैया कन्नुसमी भी कुछ खास किया नहीं, अकिलेन सुबैया 22 रन कुछ खास लगा नहीं। सेंथिल कुमार देखो 2 ओवर डाला है ना, सेफ है, रख सकते हैं सेंथिल कुमार को, ठीक है। गाजा कृपस्वामी एक मैच के अलावा हर बार 2 ओवर डाला है, वहाँ पर भी 1 विकेट है तो ठीक ठाक ऑप्शन है, डिफेंशियल है, बॉल फर्स्ट। बशा कुछ खास किया नहीं है, 2 बार 1-1 ओवर डाला, ओवर कंप्लीट नहीं है। अविनाश लोगानाथन 1 ओवर 1 विकेट 1 ओवर 1 विकेट 2 ओवर 0 विकेट ले सकते हो, नॉट बैड, बहुत सारे मैचेस में ओवर रिड्यूस होते हैं कीप इट इन माइंड, इसलिए कई बार 1-1 ओवर भी डलवाया जाता है ओपनिंग, क्योंकि 3 ओवर में मैच खत्म कर देते हैं टी10 में। ओपनिंग बॉलिंग कराएगा दोस्तों गाजा, विनोद, सेथिल, डेथ में विकी, विनोद और अविनाश, बेंच में प्लेयर बैठे हुए बहुत ज़्यादा नोन टीम नहीं है। केयूर पटेल एक सेफ ऑप्शन है, ऐड कर सकते हो अपने टीम में, बाकी बहुत सारे अननोन प्लेयर है। अतिकुर रहमान खेलता है तो ले लूँगा, 7 T10 मैच 9 ओवर 4 विकेट। मोहम्मद सिद्दीकी 19 T10 मैच में 22 का एवरेज 6-1, ये अच्छे अच्छे प्लेयर्स नहीं खेल रहे। नीलेश जैन 24 का T10 एवरेज 12 मैच 217, ये सबसे स्टार प्लेयर होना चाहिए था। अरसलान बशारत 17 मैच 322 रन 23 ओवर 14 विकेट नहीं खेला, खेलता है तो कैप बी सी।
दैरतना 7 T20 2 ओवर 1 विकेट। मोहम्मद आमिर एक सबसे बेहतरीन बैटर में से एक थे इस टीम के लिए, 14 में 27 के ओवर से 345। सबका नाम लिस्टेड था, कोई नहीं बॉलिंग खेला सरप्राइजिंगली। वकर महमूद स्टार ऑलराउंडर, 52 मैच 226 रन 48 ओवर 33 विकेट। ये जो टीम है ना, अमाल जैकब 41 T10 मैच 258 रन 62 ओवर 39 विकेट। ये जो टीम है ये कम्प्लीटली जुगाड़ वाला टीम है, जेन्युइन टीम खेल ही नहीं रहा है, मतलब इधर उधर से डाल दिया 200 प्लेयर्स। मोस्टली हंगरी के इंटरनेशनल कुछ प्लेयर्स है इस टीम के। अब चलते हैं ड्रीम 11 टीम में। लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ और टेलीग्राम जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। फिलहाल दोस्तों जो मेरा टीम बनेगा ना इस मैच में, हशमी ले लेते क्योंकि ओपन आ गया था, उस्मान हैदर को ले लेते, पुलीबंदी खेलता है तो अच्छा डिफरेंशियल बन सकता है। मंजूर फिलहाल नहीं ले रहा हूँ, आफ्टर टॉस ऐड कर सकते हो और मैचेस में रन है। महेश्वरी एक आधा मैच में बॉल डाल गया तो ले लेते हैं। बॉलिंग ऑप्शंस एस हुसैन इंपॉर्टेंट है, सुबैया अच्छा डिफेंशियल प्लेयर है, ठीक है। इसने दो मैच में देखो ड्रीम टीम का पार्ट बना और लास्ट मैच में इसने बॉलिंग कराया था, नहीं कराया था यार, नहीं मैंने गलत सुबैया को ऐड कर लिया, ये वाला प्लेयर नहीं होगा। चौबे लेते हैं फिलहाल के लिए, यहाँ से पराक्कलम लेते हैं, षणमुगम लेते हैं, ये है क्या एस विनोद सुपैया, यस सुपैया विनोद, ठीक है। करुप्पा स्वामी को ऐड करते हैं हम लोग एंड मैक्सिमम बॉलिंग ऑप्शंस है हो चुके हमारे पास। अमाल जैकब खेलता है तो ले लूँगा, यहाँ से कैप्टन ही बना लूँगा दोस्तों सीधा, ये अगर खेलता है। वकर मोहम्मद, अरसलान बशारत खेलता है तो कैप भी बना सकते हैं, ये कुछ ना इम्पोर्टेंट है। अब लोगाथन को लेते हैं यहाँ से एंड मंजूर लेते हैं, बट यार मैं आपको ऑलरेडी बताया अगर खेलते अच्छे प्लेयर्स तो ये टीम ना कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। आई होप अच्छे प्लेयर्स खेलेंगे भी। कैप्टन वाइस कैप्टन में एस हुसैन, वीसी उस्मान हैदर, देखो ऑनेस्ट बता रहा हूँ कोई कंसिस्टेंसी किसी का नहीं है, किसी एक प्लेयर का भी यहाँ पे ना 5 पैसा का भी कंसिस्टेंसी आपको नहीं दिखेगा, तो बिंदास रोटेट करो कैप बीसी। मेरा तो स्ट्रिक्ट सजेशन रहेगा इन्वेस्टमेंट ही लेस करो, या फिर कुबेरा के डो मोड में खेल सकते हो, आउट ऑफ 5 प्लेयर जस्ट 1 प्लेयर फैंटेसी, सिंपल है, सॉर्टेड है, बेस्ट ऑफ बेस्ट ऐप है। लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन हो जाओ और उसके बाद कुबेरा फैंटेसी स्पेशल फैंटेसी दुनिया फैमिली वाला लिंक से डाउनलोड करो ताकि फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होगा ना तो हम लोग मिलकर सॉल्व कर पाए, ठीक है। चलो मिलते हैं मैच टाइम पे टेलीग्राम पे, थैंक यू।